आलू की चटनी बड़ा अजीब सा है। आलू की चटनी कैसे बनेगी? चटनी बनती है पुदीने की, बनती है हरा धनिया की, बनती है लहसुन की, बनती है प्याज की, बनती है, लेकिन आलू की चटनी कैसे बनेगी? बिल्कुल जैसा इसका अजीब सा नाम है, देखने में ये वैसी ही खूबसूरत है, और टेस्ट टेस्ट ऐसा कि जो परिवार में आपके सदस्य आलू से नफरत करते हैं वो भी इसे चटकारे ले लेकर मज़े से खाएंगे। शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट। आपको चाहिए आलू, हम आधा किलो आलू की रेसिपी आज बना रहे हैं। आलू लीजिएगा, नया आलू, नया आलू लीजिए, नया आलू की ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको प्याज चाहिए, कम से कम दो प्याजें चाहिए मीडियम साइज़ की, बहुत छोटी हो तो तीन प्याजें आप ले सकते हैं, और इन प्याजों को आपने बारीक बारीक काट लेना है, पतला पतला काट लेना है, मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको प्याज को भूनना है, तलना है। अदरक चाहिए करीब करीब 1 इंच का टुकड़ा, सूखा वाला अदरक लीजिए, पुराना अदरक लीजिए, नए अदरक में टेस्ट नहीं हुआ करता, और इस अदरक को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है, पतले पतले फिंगर्स आपको अदरक के बना लेने हैं, बारीक काट लेना है। साथ में आपको चाहिए हरी मिर्च, आधा किलो आलू के साथ आपको चाहिए करीब 10-12 हरी मिर्चें, अच्छी सारी हरी मिर्चें चाहिए, बारीक वाली देसी वाली हरी मिर्च लीजिए, मोटी वाली, लंबी वाली, सुंदर वाली हरी मिर्च ना लीजिए, और इन हरी मिर्च को भी आपने छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लेना है। साथ में आपको चाहिए हरा धनिया, ताज़ा हरा धनिया पत्तियाँ लीजिएगा, ये हरा धनिया आपको चाहिए लगभग लगभग 100 ग्राम, आधा किलो आलू की रेसिपी के साथ 100 ग्राम हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया इसमें डलता है। इस हरा धनिया को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है, इसकी डंठल निकाल कर। एक चुटकी चाहिए आपको हींग, एसेफोइटिडा, एक चुटकी आपको इसके साथ चाहिए। राई, ये सरसों नहीं है, ये राई है, राई के नाम से ही मार्केट में मिलती है, ये भी हमें एक एक चुटकी भर राई चाहिएगी। साथ में चाहिए गरम मसाला, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 चम्मच गरम मसाला, कोई भी स्टैंडर्ड गरम मसाला हो सकता है। साथ में चाहिए चाट मसाला, और ये चाट मसाला भी 1 टीस्पून चाहिए, 1 चम्मच चाट मसाला, कोई भी अच्छी कंपनी का स्टैंडर्ड चाट मसाला। और साथ में आपको चाहिए पीली मिर्च लगभग आधा चम्मच, और ये ऑप्शनल है, आप चाहे डाल सकते हैं, आप चाहे तो ना भी डालें। और आपको साथ में चाहिए अमचूर यानी खटाई, कच्चे आम का पाउडर, और ये भी लगभग आपको चाहिए आधा चम्मच, आधे से 1 चम्मच तक। शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। नए आलू है इसलिए नए आलू को बहुत अच्छे प्रॉपरली धो लेना है, इनमें मिट्टी लगी होती है, और प्रेशर कुकर में रखिए, उबाल आने का इंतज़ार कीजिए। प्रेशर कुकर बंद किया आपने, और अब 5 मिनट तक इन्हें आपने गला लेना है। 5 मिनट में आलू बिल्कुल उबल गए हैं, गरम गरम में ही इसको निकालना है, ठंडा नहीं होने देना, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना, गरम गरम में ही छीलना है, हाथ भी जलते रहते हैं छीलते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, गरम में ही छीलना होगा। इस बीच कढ़ाई में कुकिंग ऑयल रख देते हैं, कुकिंग ऑयल कोई भी आप ले सकते हैं, लगभग 100 ग्राम कुकिंग ऑयल। सारे आलू छिल चुके हैं, आलू को मैश कर लेते हैं, एक एक आलू को मैश कर लेना, बहुत पतला पतला मैश नहीं करना, मोटा मोटा ही रखना है इसको, बिल्कुल बारीक हो गया तब ये मिल जाएगा आपस में और चिपक देगा, मोटा मोटा मैश कर लेना सभी आलू को। लीजिए सारे आलू मैश हो गए मोटे मोटे, कढ़ाई में तेल हो चुका है, इसमें आपने सारी प्याज डाली, और प्याज को धीरे धीरे आपने भूनना है, जब तक प्याज भुने ये आपने लिया हींग, हींग को एक पेपर में रख कर इसे कूट लिया, डाल दिया आपने भुनती हुई प्याजों के साथ, और ये एक चुटकी राई, प्याजें बहुत तेज़ नहीं भूननी है, बस हल्की सी सुनहरी हो, कुछ सफ़ेद भी रहें, इसमें डाल दिया आपने अदरक और हरी मिर्च कटा हुआ, और फिर ये डाल दिया आपने अपना सारा का सारा आलू। आप देख ही रहे हैं कि प्याज बहुत ज़्यादा भुनी नहीं है, रंगत प्यारी प्यारी रंगत आने लगी, क्योंकि हम पीली मिर्च पीली सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो बहुत ही प्यारी रंगत बनती है, मीडियम फ्लेम है। नमक डाल दिया है आपने 1 चम्मच, ये आया गरम मसाला, ये आया चाट का मसाला 1-1 चम्मच, और ये आई खटाई यानी अमचूर। सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले इसमें डल गए हैं, और प्रॉपरली इसको मिला देना, और यहाँ एक बार इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको मिर्चें ठीक लगती हैं तो फिर पीली मिर्च या लाल मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तीखा अगर आप चाहते हैं तब आप
पीली मिर्च डाल सकते हैं, प्रॉपरली मिला लीजिए। ये डाल दी पीली मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच ही काफ़ी है, लाल मिर्च भी इसमें डाली जा सकती हैं। प्रॉपरली मिला दीजिए, बढ़िया से भून भून लीजिए इसको। ऑयल आपने पहले ही काफ़ी सारा लिया हुआ इसलिए चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। और ये ढेर सारा हरा धनिया, हरा धनिया इसकी जान है, इसकी टेस्ट की जान है। ढेर सारा हरा धनिया आपने डाला, एक बार फिर से बहुत अच्छे से इसको मिला लेते हैं। इसके भुनने की निशानी है, कढ़ाई छोड़ देगा, नीचे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। कढ़ाई इसने प्रॉपरली छोड़ दी है, अच्छी तरह से छोड़ दी है। और ये ढेर सारा धनिया आपने इसके अंदर मिला डाला, लगभग लगभग तैयार है। बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, बहुत आसान है। लीजिए, लगभग आपकी तैयार हो गई है, सब कुछ तैयार है। थोड़ा सा देर इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा भुन जाएगा, थोड़ा सा इसका रंगत बदल जाएगी, थोड़ी रंगत सुनहरी सुनहरी हो जाएगी। लीजिए, पूरी तरह से भुन चुकी है ये। कुछ आलू सुनहरे सुनहरे भी हो गए और कुछ आलू वाइट बचे हुए, यही इसकी खूबसूरती है। सर्व करते हैं, इसमें किसी भी गार्निशिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेल्फ गार्निश्ड है। बढ़िया है, सुंदर है, खूबसूरत है, इसको किसी भी टिप टॉप की मेकअप की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। लीजिए, आपकी आलू की चटनी बिल्कुल तैयार है। ओहो, कितनी खूबसूरत है, लगता है निकाल के मोबाइल से खा जाओ अभी। और यही कंडीशन, यही हालत आपकी भी हो जाएगी जब आप इसे देखेंगे, बनाएंगे। ये देखिए, क्या प्यारी खूबसूरत रंगत है, सुनहरी सुनहरी सी इसमें प्याज है, हरी हरी मिर्चें हैं, और कुछ आलू सुनहरे से हो जाते हैं सिकने पर, भुनने पर, और कुछ वाइट बने रहते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। आपके परिवार में, आपके फैमिली मेंबर जो आलू से बिल्कुल नफरत करते हैं, आलू देखते भी नहीं, आलू खाते भी नहीं, वो मेंबर्स भी आपके इस आलू की चटनी को चटकारे ले लेकर, मजे ले लेकर खाएंगे, साफ कर देंगे सारी चटनी आपकी। दोस्तों, आपके इस फेवरेट चैनल पर और भी बहुत सारी डिशेज अवेलेबल है। ये देखिए, आलू की एक ही बहुत प्यारी डिश है, खट्टे खट्टे अचारी आलू। आलू के साथ आम के अचार का मसाला, आम का अचार इसमें यूज किया हुआ है। आलू की एक और बहुत बढ़िया डिश है, सभी के घर में बनती है, आलू का पकौड़ा। ये कुछ खास पकौड़ा है, इस पकौड़े के अंदर ढेर सारी सब्जियां भरी हुई है, मटर है, गाजर है, प्याज है, हरी मिर्च है। ये देखिए, पूरा आलू, आलू के साथ मिली हुई सब्जियां, बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ही हेल्दी भी है। और दोस्तों, जाड़ों की एक बहुत ही बढ़िया डिश है, ये है हरे धनिए की चटनी कह दीजिए, या हरे धनिए की भुजिया। देखने में खूबसूरत आलू के साथ बनी हुई हरे धनिए की भुजिया। और दोस्तों, ये है पराठा। जाड़ों की छुट्टी, छुट्टी में धूप निकली हुई, और मिल जाए ये पराठा, मसाला पराठा, करारा करारा, पतला पतला, पापड़ के जैसा सुंदर सुंदर, सुनहरा सुनहरा। और दोस्तों, ये भी जाड़े का एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, सुबह सुबह के लिए स्पेशली। ये है मेथी की खिचड़ी। मेथी, वही मेथी जिसे आप सब बहुत कड़वा समझते हैं, बहुत मुफीद है ये हमारी सेहत के लिए। एक और बहुत प्यारा नाश्ता, ये है बची हुई रोटी के पराठे। बची हुई रोटी के पराठे, यस, बेसन वाले पराठे बची हुई रोटी के, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बड़े मज़ा आता है इन्हें। सुबह नाश्ते में भी आप ले सकते हैं, या शाम में टी टाइम पर आप इसे ले सकते हैं। एक और नाश्ते की बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ये रेसिपी है ब्रेड आमलेट। ये आमलेट भी है, एग भी है इसमें, और ये ब्रेड भी है। सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए, शाम टी टाइम पर लीजिए, कभी भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारी, बहुत आसान बनाने में। और दोस्तों, अंडे की बात चल रही है तो फिर ये डिश तो बनती ही है। ये है नॉन वेज स्टाइल में बनी हुई अंडा करी। अंडा करी इन नॉन वेज स्टाइल, देखने में भी नॉन वेज सही लगता है, खाने में भी नॉन वेज सही लगता है, लेकिन है केवल केवल अंडा। बहुत ही प्यारी डिश है, बहुत ही टेस्टी डिश है। चैनल पर अवेलेबल है इनकी रेसिपीज, और जहाँ अंडा है वहाँ आलू भी है साथ में। और ये रहा अंडा आलू करी, अंडा आलू करी, या कहिए अंडे आलू का कोरमा, बहुत टेस्टी होता है भी। दोस्तों, और भी बहुत ही बढ़िया रेसिपीज हैं। ये देखिए, लाल सफ़ेद हरी तिरंगी, तीन रंगों वाली चिली भिंडी। चिली चिकन नहीं, चिली पनीर नहीं, पनीर नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी चिली भिंडी। एक बार खाएंगे, बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। और दोस्तों, ये है कढ़ी पकौड़ी, आपके हमारे सबके घरों में बनने वाली कढ़ी पकौड़ी। एक बार इस रेसिपी से बनाइए, मशहूर हो जाएंगे आप अपने कढ़ी पकौड़ी के लिए। चिकनी चिकनी, क्रीमी क्रीमी,
मलाईदार सुंदर सुंदर कढ़ी पकौड़ी एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बनाइए, आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। और दोस्तों ये रही दाल, बिल्कुल आसानी से बनने वाली खिलवा दाल, एक एक दाना इसका खिला हुआ, एक एक दाना पूरी तरह से पका हुआ, एकदम सॉफ्ट, देखने में जितनी खूबसूरत, खाने में उतनी ही टेस्टी। बनाते रहिए, खिलाते रहिए, प्यार बांटते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।